Assalamualaikum लजीज़ दस्तखान मेरे चैनल पे सभी प्यार वीवर सब्सक्राइबर्स आने वाले सभी प्यार सब्सक्राइबर्स फ्रेंड को तहदी से खुश आमदी आज मैं आपके साथ एक्स्ट्रा सॉफ्ट पराठा की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ इसे बनाना बहुत ही आसान है सबसे अच्छी बात है आप इसे पंद्रह से बीस दिन फ्रीजर में स्टोर भी कर सकते हैं और इसे चांद रात के दिन आप बना कर रख भी सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट पराठा आप देख रहे होंगे देख लीजिए कितना सारा पराठा मैं एक साथ लेकर फोल्ड करके दिखला रही हूँ कितना सॉफ्ट पराठा है तो आप इस एक्स्ट्रा सॉफ्ट पराठा को ज़रूर ट्राई कीजिए खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है तो चलिए बनाना शुरू करते हैं तो यहाँ पे मैं वन के जी मैदा ली हूँ अच्छे से छान ली हूँ और इसके अंदर दो अंडा डालना है तो अभी अंडा मैं एक ऐड कर रही हूँ बाद में करूँगी और तीन टेबल स्पून यहाँ पर चीनी ऐड करना है चीनी कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं तीन टेबल स्पून चीनी काफ़ी है एक किलो मैदा के अंदर और हाफ टेबल स्पून यहाँ पर नमक ऐड करना है और अब एक अंडा यहाँ पर मैं और ऐड कर रही हूँ एक के जी मैदा में दो अंडा डालना इस बात का ख्याल रखिएगा और अंडा डालने से होता है क्या है मैं वो भी बता दे रही हूँ अंडा डालने से पराठा जो है काफ़ी सॉफ्ट बनता है और जब पराठे को फ्राई किया जाता है तो पराठे का कलर बहुत निखर के आता है इसलिए अंडा डाला जाता है अब यहाँ पर मैं दो पिंच येलो फूड कलर डाल दे रही हूँ अब हाथ से इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लूँगी और ये जो पराठा है काफ़ी सॉफ्ट बनेगा आप इसे एक्स्ट्रा सॉफ्ट पराठा कह सकते हैं इसके अंदर घी बटर तेल किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना है थोड़ा थोड़ा पानी डालकर सॉफ्ट सा डो तैयार कर लेना है और अच्छे से मिलाने के बाद जब डो अच्छे से तैयार हो जाए नरम सा डो तैयार हो जाए तो 15 से 20 मिनट के लिए इसे बाहर में ही ढक कर रख देना है फ्रिज में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है तो यहाँ पर देख लीजिए बहुत अच्छे से ये गूँज चुका है और यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे अच्छे से गूँध रही हूँ और इसे गूँने में पूरा बारह मिनट लगा है इतना वक्त ज़रूर दीजिएगा बहुत ही सॉफ्ट पराठा बन के तैयार होगा और इसे सेट होने के लिए पंद्रह से बीस मिनट के लिए आपको रखना है इस बात का भी ख्याल रखना है आपको तो देख लीजिए बहुत अच्छे से यहाँ पर डो लग चुका है अब इसे अच्छे से मैं मिला ले रही हूँ और इसे ढककर साइड में पंद्रह से बीस मिनट के लिए रख दूँगी बीस मिनट हो चुका है और देख लीजिए डो बहुत अच्छे से सेट भी हो चुका है कितना सॉफ्ट डो है आप देख ही रहोगे बिल्कुल इसी तरह से आपको भी तैयार करना है तो अच्छे से इसे मैं दो से तीन मिनट के लिए अच्छे से इसे फिर से मैं गूँंद ले रही हूँ इस तरह से और गूंदने के बाद अब इसका मैं बॉल तैयार कर लूँगी बॉल बहुत बड़ा बड़ा बनाना है तो यहाँ पर देख लीजिए अच्छे से गूंद चुका है अब यहाँ पर मैं एक बड़े साइज का बॉल ले रही हूँ और एक बॉल में पाँच से छः पराठा बन के तैयार हो जाएगा तो इस तरह से आपको बॉल को भी इक्वल में डिवाइड कर लेना है तो देख लीजिए इस तरह से बॉल ले लेना है इसे बेलने के लिए मैदे या आटे का डस्ट नहीं लगाना है तेल लगाना है तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा तेल लगा ले रही हूँ तेल लगाने के बाद इसे अच्छे से मैं बेल लूंगी जितनी बड़ी रोटी होगी उतनी बड़ी रोटी यहाँ पर बना के तैयार कर लेना है तो यहाँ पर देख लीजिए बहुत ही बड़ी रोटी बन के तैयार हो जाएगी पतली मोटी कोई मायने नहीं रखता है जितनी भी पतली बेली है उतना ही अच्छा है और हाँ इस रोटी को बेलने के लिए आपको आटे या मैदे का डस्ट का हेल्प नहीं लेना है आपको तेल लगा ही बेलना है तब जाके आपका पराठा काफ़ी सॉफ्ट बनेगा तो आपको मैदा या आटे का डस्ट नहीं लगाना है तो यहाँ पर रोटी देख लीजिए बहुत अच्छे से मैं यहाँ पर बेल चुकी हूँ काफी बड़ी रोटी है अब इसके ऊपर तेल लगाना है आप चाहे तो तेल लगाने के बाद कर इस्तेमाल कर सकते चाकू लेना है और इस तरह से लंब लंबा लंबा डोरी की तरह यहाँ पर इस तरह से कट लगा देना है जुलियन कट में इस तरह से तो देख लीजिए यहाँ पर जितने भी ब्रेड में बनाऊंगी सारे ब्रेड में इस तरह से मैं कट लगाऊंगी कट लगाने के बाद अब इसे फिर से हमें राउंड शेप में लाना है पराठे को तो यहाँ पर देख लीजिए क्या करना है अब एक यहाँ पर एक डोरी उठाना है और इस तरह से फोल्ड करना है फिर इसके ऊपर दूसरी डोरी उठा कर फिर इस तरह से घुमा घुमा कर फ़ोल्ड करना है थोड़ा सा टान टान कर इसी तरह से यहाँ पर बॉल तैयार करना है पराठे का तो बहुत ही अच्छा यहाँ पर लच्छा पराठा बनता है और काफ़ी सॉफ़्ट पराठा बनता है आपको बस डस्ट का इस्तेमाल नहीं करना है खुश्की का इस्तेमाल नहीं करना है आटे मैदे का तो जितना बड़ा आपको पराठा चाहिए उस हिसाब से आप यहाँ पर बॉल तैयार कर सकते हैं छोटा या बड़ा तो देख लीजिए यहाँ पर मैं मीडियम पराठा बना कर तैयार करूँगी तो यहाँ पर बॉल जो है वो मीडियम साइज़ का बना रही हूँ छोटा बड़ा भी आप अपने हिसाब से बना सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा ये मोटा पराठा नहीं बनेगा मीडियम पराठा बनेगा पतला पराठा बनेगा तो इस तरह से सारे बॉल को मैं तैयार कर लूँगी तो यहाँ पर देख रहे होंगे सारा बॉल तैयार हो चुका है अब पराठा बेलने का जो तरीका है बिना बेलन का बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है एक तरफ मैं तवा चढ़ा दी हूँ गर्म होने के लिए अब करना क्या थोड़ा सा यहाँ पर तेल लगाना है और हाथ से इस तरह से दबा दबा कर गोल शेप कर लेना है राउंड शेप कर लेना है देख लीजिए बहुत अच्छा से यहाँ पर शेप आ चुका है बस इसे उठाना है और तवे के ऊपर रख देना है तवा का जो फ्लेम है मीडियम होना चाहिए हाई या लो नहीं होना चाहिए मीडियम फ्लेम पर इसे सेक कर उतारना है इसे पूरी तरह से फ्राई नहीं करना है क्योंकि इसे में स्टोर करूंगी तो मैं स्टोर करने वाला तरीका बता रही हूँ सबसे पहले आप पराठे को स्टोर करना चाहते हैं तो आपको करना क्या है बस एक तरफ़ से जब ये थोड़ा सा सेक जाए तो इसे पलट देना है और दूसरी तरफ से भी इसी तरह से इसे सेक लेना है एक से डेढ़ मिनट लगता है दोनों तरफ से इसे सेकने में एक पराठे को तो सेक कर इसे उतार देना है इसी तरह से दूसरे पराठे को भी सेक लेना है तो देख लीजिए बहुत आसान है बिना बेलन का बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर पराठा का शेप आ जाता है तो आप इस पराठे को मेरे स्टाइल से ज़रूर ट्राई कीजिएगा बहुत ही कम वक्त में बहुत ही ज़बरदस्त पराठा बन के तैयार हो जाता है तो इसी तरह से सारे पराठे को मैं सेक के निकाल लूँगी जितना पराठा मुझे स्टोर करना है उतना पराठा यहाँ पर मैं सेक कर निकाल लूँगी और बाकी का जो पराठा फ़्राई करना है वो मैं फ्राई करके भी दिखला दूंगी किस तरह से आपको फ्राई करना है शान रात के दिन भी आप इस तरह से पराठे को अच्छे से, से सेक कर फ्रीज में दो से तीन दिन तक स्टोर कर सकते हैं और फ्रीज़र में पंद्रह से बीस दिन स्टोर कर सकते हैं तो देख लीजिए यहाँ पर बहुत अच्छे से मैं इसे सेक ली हूँ अब इसे पंद्रह से बीस दिन के लिए आराम से इसे मैं स्टोर करूँगी फ्रीज़र में फ्रिज में।, में नहीं रखना है फ्रिज में दो से तीन दिन ये रहता है और फ्रीज़र में आराम से आप इसे पंद्रह से बीस दिन एक महीना भी रख सकते हैं क्योंकि ईद के टाइम पूरे महीने गेस्ट घर में आते जाते रहते हैं तो आप रोज़ रोज़ कितना पराठा बनाएंगे इसलिए आप इस पराठे को बना के फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हैं और जब भी आपको पराठा बनाना है फ्रीज़र से बाहर निकालिए आप उसे घी तेल या बटर के साथ फ्राई कर लीजिए ज़बरदस्त पराठा तैयार हो जाएगा तो ये रहा स्टोर वाला पराठा अब मुझे फ़्राई करना है तो मैं फ्राई करने का तरीका दिखा दे रही हूँ तो यहाँ पर मैं छः पराठा निकाली हूँ और इस छः पराठे को मैं मीडियम फ्लेम पे फ्राई करूँगी तो पराठे को आप घी बटर तेल के साथ फ़्राई कर सकते हैं यहाँ पर मैं तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ जब एक तरफ़ से थोड़ा सा सीख जाएगा तब इसे पलटना है और पलटने के बाद थोड़ा सा तेल लगाना है तेल लगाकर फिर इसे दूसरी तरफ से पलट देना है और फ्लेम को यहाँ पर मैं मीडियम रखी हूँ तेल में बहुत ज़्यादा नहीं लगा रही हूँ अगर आपको बहुत ज़्यादा तेल लगाना है तो आप थोड़ा तो सा तो तेल यहाँ पर ज़्यादा ले सकते हैं जिस तरह से मैंने बताया कि ये पराठा एक्स्ट्रा सॉफ्ट पराठा है तो आपको वीडियो में देख कर लग रहा होगा कि कितना सॉफ्ट ये पराठा बना है और जब इसे फ्राई किया जाता है तो इसका कलर बहुत ही निखर कर आता है तो वो आप देख ही लीजिएगा कितना प्यारा इसका कलर आ रहा है तो देख लीजिए कितना सॉफ्ट कितना ज़बरदस्त पराठा तैयार हो चुका है तो यहाँ पर देख लीजिए चार पराठे को मैं फ़ोल्ड करके दिखला रही हूँ काफ़ी गर्म है ये फिर भी मैं आपको दिखलाऊंगी देख लीजिए बहुत अच्छे से ये फोल्ड हो चुका है चार पराठा मेरे हाथ में है और पता भी नहीं चल रहा टूटा भी नहीं कहीं से भी बहुत ही सॉफ्ट पराठा बना है काफ़ी गर्म भी है ये अब इस पराठे को आप गर्मागर्म किसी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए और हाँ आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए क्योंकि मेरी न्यू वीडियो की अपडेट आपको बेल आइकन से मिलेगी तो मेरी इस रेसिपी को बनाइए खाइए खिलाइए खुश रहिए अल्लाह हाफिज़